हेलो गाइस, 15वें एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज के एपिसोड में हम लोग आगे की स्टोरी कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता लास्ट एपिसोड में हमने क्या किया था, तो मैं आपको छोटा सा रिकैप बता देता हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने एस्पर फॉरेस्ट में जाके ब्लेक के वहाँ पर मदद की थी, और फिर ब्लेक ने हमें फ्लाई करके किसी टावर में लेके जा गया था, जहाँ पर हमने टीम फ्यूज़न को हराया था। फिर से उसके लीडर माइकल और उसकी जो बीवी थी उसको हरा दिया था हमने। तो उसके बाद हमारा जिम जो पहले लॉक था वो अभी अनलॉक हो चुका है, तो हम लोग बैटल करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैंने थोड़ी सी ट्रेनिंग की थी, तो हमारे पोकेमोन के लेवल अप मैंने थोड़े बढ़ा दिए, क्योंकि क्या पता जिम कौन सा, पता नहीं, बता नहीं सकते कि कौन से पोकेमोन ट्रेनर यूज़ करता है, जिम लीडर यूज़ करता है इसलिए। और मेरे को इतना तो पता है कि ये एक फायर टाइप जिम लीडर रहेगा, इसलिए हमारे पास हमारे सर्फ अटैक रेडी रहेगा। बट इस बार मैं कुछ सोच रहा हूँ कि हमारे पास जो TMs पड़े हैं वो हमने पहले तो हम लोग वो हमें किसी मतलब हम लोग उन्हें किसी को पोकेमोन को सिखा देते हैं। सॉरी, मेरी जबान लप लप आ रही है। और हम लोग गाइस बहुत क्लोज है 15,000 के, तो आई थिंक हमारा 15,800 हो चुके हैं हमारे सब्सक्राइबर, हमें आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है। तो सिर्फ 200 चाहिए, तो जल्दी से जल्दी करा दो। और Q&A के लिए पोस्ट मैं कल डाल दूंगा, तो आप उसमें अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछना, और Q&A वीडियो आने बहुत जल्दी आने वाली है, तो रेडी रहना और अपना क्वेश्चन पूछ लेना कल वाले पोस्ट में, मतलब जो कल डालने वाला हो, क्योंकि हिंदी में कल के दो मीनिंग होते हैं, कल मतलब यस्टरडे और कल मतलब टुमारो। तो मैं टुमारो वाले कल की बात कर रहा हूँ। तो कल एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा Q&A के लिए, तो उसमें मैं क्वेश्चन पूछ लेना अपना। तो यहाँ पर मैं हमारे सोच रहा हूँ कि हम लोग अर्थक्वेक हमारे किसी पोकेमोन को सिखा देते हैं, क्योंकि फायर टाइप के अगेंस्ट वो अच्छा रहेगा ना। तो आई थिंक हम लोग गिबाइट को सिखा दे क्या, हाँ आई थिंक हम लोग गिबाइट को अर्थक्वेक सिखा देते हैं, क्योंकि क्या पता फिर उसके बाद कोई, अभी उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग अटैक तो नहीं है। डिग है बट अर्थक्वेक 100 है ना पावर वाला, तो हम लोग डिग को हटा देते हैं और अर्थक्वेक सिखा देंगे। और जिम बैटल के लिए हम लोग आज दोनों ड्रैगन टाइप पोकेमोन यूज़ करेंगे। पता है वो लोग फायर टाइप अगेंस्ट के ऊपर कुछ इफेक्टिव नहीं रहते, बट फिर भी। तो सबसे पहले हम लोग हमारे दोनों स्टार्टर के पोकेमोन, आज मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग आज शेलगॉन को और गिबाइट से फाइट करेंगे, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी इवॉल्व हो जाए। दोनों भी हमारे शूडो लेजेंडरी पोकेमोन अपने फाइनल स्टेज में कुछ ही देर में, मतलब कुछ ही एपिसोड में हो जाएंगे। तो देखते हैं ये क्या कर रहा है। हु इट्स इज इट टू हॉट इन हियर और वॉट इफ़ यू कुडंट टेल एनफ्रेस्ट यूज द फायर टाइप गोइंग अगेंस्ट इट विद ग्रास और बग वुड बी बैड आइडिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ्लेम है, आई थिंक मेरे को यहाँ से नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक डबल बैटल आने वाली है, तो हम लोग तैयार है डबल बैटल के लिए। देखते हैं इनके पास कौन से पोकेमॉन हो सकते हैं। होपफुली इनके पास फायर टाइप ही रहेंगे, क्योंकि फायर टाइप जिम में तो ऑब्वियसली उनके पास फायर टाइप ही पोकेमॉन हो सकते हैं। और मैं सही था, एक नंबर आर्कनाइन पोकेमॉन मेरे को बहुत पसंद है। अगर आपको भी पसंद है आर्कनाइन तो कमेंट करके बता देना। तो आज हम लोग इन्हीं दो पोकेमॉन को यूज करके ये मैच जीतने का ट्राई करेंगे, इसलिए ठीक है सेफ गार्ड यूज़ कर लिया। बट हमारे पास अर्थक्वेक है, बट अर्थक्वेक का यही रहता है ना कि वो सबको इफेक्ट करता है, वो ऐसा पार्शियलिटी नहीं करता। तो हमने एक पोकेमोन को तो डाउन कर दिया है, और एक आ रहा है। ठीक है, ड्रैगन ब्रेथ हम लोग आर्कनाइन को यूज़ करेंगे और अर्थक्वेक यूज़ कर लेंगे। आई थिंक हम लोग का अर्थक्वेक इनके लिए काफ़ी रहेगा, देखते। हाँ, नॉकआउट हो चुका है, और आई थिंक ये मैच इधर ही ख़त्म होती है कि और एक बाकी है पोकेमोन। ओके, एक और पोकेमोन बाकी है। ठीक है, एक मकारगो, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा पोकेमोन लग रहा है। बाइट यूज़ करेंगे और इसको हम लोग ड्रैगन रेज यूज़ करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि पता नहीं इसकी फ्लेम बॉडी है कि नहीं। ओके, इसके पास एमनीशी है, जिसने इसने अपना स्पेशल डिफेंस बढ़ा लिया, तो हम लोग इसको एम्बर से मारेंगे। एम्बर से बोलते हैं ना, आग को आग काटती है, लोहे को लोहा काटता है, वैसे आग को आग काटेगी। क्या पता मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मैं बहुत कंफ्यूज था। और गाइज, मैंने जो आपको कल पोस्ट, मतलब यस्टरडे वाले पोस्ट में मैंने जो आपसे पूछा था कि क्या मुझे वो फायर हेड कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, तो उसमें आप लोगों ने मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आपने बहुत अच्छे अच्छे गेम्स के नाम लिए, मैंने खेले तो नहीं है कुछ, बट कुछ खेले थे मैंने, तो इसलिए बोल रहा हूँ आपने बहुत अच्छे अच्छे गेम्स के नाम लिए। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि हम लोग फायर रेड कम्प्लीट करें, क्योंकि मैंने कभी फायर रेड एक्चुअली में पूरा खेला नहीं है, तो मुझे पता नहीं आगे क्या क्या होने वाला है। इसलिए
मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले हम लोग फायर रेड कंप्लीट करें, ग्लेज कंप्लीट करें, फिर इसके बाद ही हम लोग कोई दूसरे गेम के ऊपर बढ़े। तो आपको मेरा डिसीजन कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट्स में बता देना। और हम लोग शायद से सही जा रहे हैं, मुझे पता नहीं, देखते हैं। यहाँ पे एक और बैटल आने वाली है, तो ये चाचा के पास एक ही पोकेमोन है रैपिड एश, तो हम लोग शेल्गॉन यूज़ करने वाले इसके सामने। देखते ड्रैगन ब्रेथ, देखते क्या करेगा। ओके फायर स्पिन, क्रिटिकल अटैक क्यों लग रहे हैं यार? क्रिटिकल अटैक लगने से हम लोग ज़्यादा डैमेज खाते हैं ना। हम लोग इसके सामने लीर यूज़ करेंगे, देखते हैं। ये बहुत चीप अटैक है पता है, बट फिर भी अभी बाइट यूज़ करके देखते हैं। अरे फ्लिंच हो रहा है यार, मतलब क्या बोलने का यार। अच्छा टेक डाउन, मार ही दो भाई, मार ही दो हमारे पोकेमोन को। ठीक है ठीक है, एक ड्रैगन ब्रेथ और ये ख़त्म हो जाएगा और हमने इसे हरा देंगे। हाँ लिटरली हमने इसे हरा दिया है और हमें 1440 कुछ तो एक्सपीरियंस गेन हो चुका है। तो आई थिंक अभी हम लोग को ये सब नहीं करना चाहिए, आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। और यहाँ पे ये आग डिसेबल नहीं हुई, सामने वाली घास। ठीक है देखे ठीक है देखते। तो अभी हम लोग बोला कि ये बहुत टाइम पास हुआ है गाइस, तो देखते सीधा जाके वाटर टाइप से लड़ेंगे इनके सामने। और वो रहा, क्या नाम था उस जिम लीडर का, मेरे को नाम भी नहीं याद आ रहा है, बट ठीक है देखते। इसके पास तीन पोकेमोन है, चार्मेलियन काफ़ी अच्छा है। सर्फ यूज़ करेंगे और एक ही सर्फ में चला जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, और मैं सही था। हमारा स्वैम्प पॉड लेवल 45 का हो चुका है। एक क्विलाला ठीक है। तो जहाँ तक मेरे को अभी लग रहा है कि इसके पास सारे सेकेंड स्टेज पोकेमोन हैं, तो अभी एक और सेकेंड स्टेज का पोकेमोन हो सकता है इसके साथ। आई थिंक वो ब्लेजिकन का सेकेंड स्टेज रहेगा, कम्बस्कन। ये आई थिंक क्या ये, मैं राइट था गाइज। ये पोकेमोन गेम है ना, समझने के लिए थोड़ा सा नॉलेज लगेगा आपको, बट आई थिंक आपको मेरे से ज़्यादा नॉलेज होगा पोकेमोन गेम्स में, क्योंकि मैं तो अभी ज़्यादा गेम्स खेला नहीं हूँ। तो आप ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को कमेंट में बताते हैं कि मैंने ये गेम खेला है, वो गेम खेला है। तो ब्रो आप लोग यार बहुत अच्छे हो। यहाँ पे एक ही मतलब तीन ही फाइट लड़नी थी और फिर हम लोग इसके सामने आ चुके हैं। देखते अब ये क्या बोलेगा। हेलो यंग सिटीजन, दे कॉल मी एंड्रेस्ट एंड आई एम द जिम लीडर अराउंड दीज पार्ट्स। यू विश टू गेट द ब्लेज बैस, देन वी मस्ट बैटल फर्स्ट, लेट्स गो। ठीक है, ज़्यादा कुछ बोला नहीं कि चैलेंज वगैरह 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 कुछ बोला नहीं। तो इसके पास एक मैग्मोटर है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रो वायर है वैसा वाला। तो देखते फायर ब्लास्ट यूज़ किया हमारे सामने, बट क्रिटिकल क्यों लग रही है यार, चीटिंग है, क्रिटिकल नहीं लगनी चाहिए। वन शॉट किल हमने इसके मैग्मोटर को कर दिया है। एक चारी झाड़ लिटरली लेवल 38 का है। एक सोलार बीम यूज़ कर रहा है, ठीक है, होपफुली हम लोग इसको वन हिट के वो कर देंगे, क्योंकि सोलार बीम एक ग्रास टाइप मूव है और हम लोग एक ग्राउंड है, वाटर टाइप पोकेमोन है, तो ऑब्वियसली हमारे ऊपर वो काफ़ी इफेक्टिव रहने वाला था, मर ही जाते हम लोग पक्का। प्रोटेक्ट यूज़ कर रहा है, ठीक है, टाइफ्लोजन। एक और देखते हैं, फायर ब्लास्ट मिस्ड हुआ तेरा और यू मिस आई हिट, ऐसे वाला है सीन हो गया यहाँ पे। और हमारा स्वैम्पर्ड अभी 46 का हो चुका है और हमारा स्वैम्पर्ड भी प्रोटेक्ट यूज़ कर सीख रहा है, बट नहीं हम लोग इसे नहीं सिखाने वाले प्रोटेक्ट, सॉरी। एक इन्फर्निप यार, इस बंदे के पास क्या मस्त पोकेमोन है यार, सारे फायर टाइप स्टार्टर पोकेमोन है इसके पास। हमारे पास भी एक इन्फर्निप है ब्रो, बट वो आपसे काफ़ी स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है लिटरली। तो एक ब्लेजिकन, जहाँ तक मेरे को अभी याद आ रहा है इस बंदे के पास सारे लो भाई, बट ठीक है यहाँ तक लड़े। आई थिंक हमारा अभी इलेक्ट्रोवायर का काम आ चुका है, देखते इलेक्ट्रोवायर क्या कर पाएगा। मैंने थंडरबोल्ट इसको सिखाया नहीं है, बट सिखाऊंगा, क्योंकि एक भाई ने मेरे को रिक्वेस्ट की थी कि इसको थंडरबोल्ट सिखाओ, तो ब्रो हम लोग सिखाने वाले हैं, बहुत जल्दी सिखाएंगे। ये मैच ख़त्म होने के बाद ही हम लोग थंडरबोल्ट सिखा देंगे इलेक्ट्रोवायर को हमारे। तो अब बेझिझक रहिए, आपने एक विश की वो मेरा पूरी करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो यही, इसके साथ हमने वो क्या नाम था उस ट्रेनर का, एंट्रेस्ट, ओके एर्नेस्ट को हमने हरा दिया है और हमने ब्लेज बैज हासिल कर लिया है गाइज। और हमें 1560 पोके डॉलर्स भी मिल चुके हैं। दैट विल अलो यू टू यूज़ मूव फ्लाई आउटसाइड द बैटल टू सोर द प्लेसेज यू नेवर विजिटेड हियर, टेक दिस टू ऑप्टिम TM38। ये क्या है मेरे को नहीं पता, बताओ यार। ओके फायर ब्लास्ट अटैक है, जो कि काफ़ी अच्छा फायर टाइप मूव है, तो ठीक है।
तो हमने अभी क्या नाम था उसका, एर्नेस्ट को हरा चुका है। तो अभी जाके पहले पोकेमोन हील कर लेते हैं और इसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। सबसे पहले तो एक बात करनी है मेरे को, जो कि थी मेरे को हमारे इलेक्ट्रावायर को थंडरबोल्ट सिखाना है, तो सिखाएंगे बहुत जल्दी, अभी सिखा देते हैं। लो चलो बैग ओपन की मैंने, थंडरबोल्ट ये रहा थंडरबोल्ट, पावर 80 की 90 थी उसके कुछ तो, और हमारा इलेक्ट्रावायर को हम लोग सिखाने वाले हैं। बट कौन सी मूव हटाए क्या आप बता सकते हैं? आई थिंक हम लोग कोई फालतू मूव हटाएंगे, जैसे कि स्क्रीच फालतू मूव ये नहीं है, मेरे को पता है वो काफ़ी क्या बोलते हैं डिफेंस लो करती है ज़्यादा, बट फिर भी हम लोग अटैक पे फोकस करेंगे, डिफेंस रैदर देन डिफेंस वी फोकस ऑन अटैक, दैट्स अवर स्ट्रैटेजी। ओके तो हमने सिखा दिया है उसे, तो चलो आगे जाते हैं। लास्ट टाइम हमने एस्पो फॉरेस्ट में ज़्यादा कंटिन्यू नहीं किया था, एक मिनट पहले देख लेता हूँ मेरे बैग में इनफ रिपेल है कि नहीं, नहीं तो मेरे को रिटर्न आना पड़ेगा। रिपेल एक ही रिपेल है, अच्छा हुआ अभी देख लिया, नहीं तो बाद में देखता तो रिटर्न कौन आता। गाइस मैं नहीं आने वाला था इतना रिटर्न, तो पहले हमें रिपेल खरीद लेने दो। हम लोग कितना खरीद लेते, 10 बहुत रहेंगे ना। और दो तीन ग्रेट बॉल भी दे देता हूँ, ले ले तो 6 बस हो गए। हाँ बस 6, दो तीन बोला है और 6 ले लिया मैंने, तो ठीक है। अभी हम लोग हमारे रिटर्न एस्पो फॉरेस्ट में जाके आगे की स्टोरी की कंटिन्यू करेंगे। और पता नहीं था यहाँ पे मुझे और बैटल, क्या पता आगे और बैटल हो सकती है नहीं भी हो सकती, वो देखा जाएगा। हमारे पोकेमोन हील तो हो चुके हैं और यहाँ पे मैंने रिपेल यूज़ नहीं किया, और एक ब्यूजल काफ़ी अच्छा वाटर टाइप पोकेमोन है, बट हमारे पास स्वैम्पर्ट है इसलिए आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे पास स्वैम्पर्ट नहीं रहता तो मैं ब्यूजल ही पकड़ता, इसमें कोई शक नहीं है गाइस, क्योंकि बहुत अच्छा फायर टाइप वाटर टाइप पोकेमोन है। तो पहले हम लोग हमारे कोई अच्छे तगड़े पोकेमोन को आगे रख लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम लोग स्केप्टाइल को आगे रखते हैं, ठीक रहेगा ना? हाँ ठीक ही रहेगा। तो चलो चलो ना शुरू करते हैं ब्रो। हम लोग पहले रिपेल यूज़ कर लेते हैं, गलती से पोकेमोन के ऊपर क्लिक हो गया और रिपेल, हाँ रिपेल यूज़ कर दिया। एक्सपी शेयर पड़ा है मैं किसको दूँ पता नहीं चल रहा है मेरे को, तो ठीक है हम लोग शायद से सही जा रहे हैं। लास्ट टाइम भी हम लोग यहीं पे आए थे और फिर यहाँ से जाके यहाँ पे आ चुके थे, और यहीं पे तो इसके आगे गए ही नहीं थे हम लोग। तो यहाँ पे एक बैटल है गाइस, मैंने देखा ही नहीं, आई फोर सी विक्ट्री, ठीक है देखते। जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पे साइकिक टाइप पोकेमोन रहते थे, तो लो भाई फ्यूरी कटर, इट्स सुपर इफेक्टिव, सेफ गार्ड यूज़ करो मत, अभी तुम लोग मरने वाले हो। और इसी के साथ हमने वाई नॉट का हरा दिया, इसका नाम ही कैसा है ना, वाई नॉट WHY0, कैसा कैसे नाम रखते हैं गाइस। रिपेल ख़त्म हो गया हमारा, हम लोग यूज़ कर लेते हैं, हमारे पास ऑलरेडी हमने खरीदे थे। तो क्या यहाँ पे नीचे रास्ता है, यहाँ पे कुछ जाने का है क्या यहाँ पे? ओके यहाँ पे एक पोके बॉल है, देखते हैं क्या है वो, शायद से एक डॉ स्टोन, क्या इसका यूज़ नहीं पता बट अच्छा रहेगा क्योंकि स्टोन सब अच्छे ही रहते हैं, क्या पता कोई पोकेमोन इवॉल्व हो जाए इस पोकेमोन से, इस पोके आइटम्स है, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं। तो एक कडाबरा ठीक है, फ्यूरी कटर और ये ख़त्म। अभी क्या एलेक्जम होगा, मेरे को लगा ही था। एक और फ्यूरी कटर और ये भी ख़त्म। एलेक्जम भी मेरा कैंटो का बहुत फेवरेट पोकेमोन है। अभी आप लोग अगर आपने हमारी फायर रेड की सीरीज़ नहीं देखी तो उसको भी चेकआउट करना, उसमें भी हम लोग बहुत जल्दी एलेक्जम पकड़ने वाले हैं। और यहाँ से शायद से हम लोग बाहर निकलेंगे, तो ये हम लोग पाम ट्री पार्क में आ चुके हैं। मैप नहीं देखना है मेरे को, नहीं देखना है। और क्या हम लोग यहाँ पोकेमोन पकड़ सकते हैं? बट नहीं पकड़ने हैं अभी। और यहाँ पे टीम फ्यूजन क्यों खड़ी है? नोबडी एंटर्स और लीव्स पाम ट्री रिसोर्ट, द ओनली वे इन वुड बी बाय यूजिंग फ्लाई, ठीक है। तो अभी हमें फ्लाई सिखाना पड़ेगा हमारे पोकेमोन को, देखते हैं क्या कोई फ्लाई सीखने लायक है क्या। पहले बात मैंने एक मिनट कहाँ गया मेरे HMs वाले फोल्डर, हाँ ये रहा, देखते हैं हमारे में कोई फ्लाई सीखने लायक है क्या। अभी फिलहाल तो कोई नहीं है, बट शेलगोन इवॉल्व होने के बाद तो फ्लाई सीख लेगा, बट हम लोग अभी पहले रिटर्न जाएंगे, देखते हैं। यार ये गलत बात है, मेरे को लगा हम लोग यहाँ से नीचे से चले जाएंगे,
क्या कर रहा हूँ, क्या मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को रिपेल यूज़ करना है गाइस। हाँ यहाँ पे दो रिपेल तो लगी नहीं वाली है पता है मेरे को। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे आ चुके थे, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से कहाँ पे जाना था मैं भूल गया। अच्छा यहाँ से यहाँ पे, मैं सच्ची में भूल जाता हूँ गाइस। और गाइस फिर से बता रहा हूँ 15K होने वाले हैं, तो Q&A का पोस्ट मैं कल डाल दूंगा, तो उसमें अपना क्वेश्चन याद से पूछ लेना, फिर बोलना मत कि मेरा क्वेश्चन लिया नहीं वगैरह वगैरह। तो आई होप आप लोग अच्छे रहेंगे, और मैंने आपसे पूछा था आप किधर से हो तो आपने बहुत बता दिया था, तो एक काम कर दो आज भी एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपकी उम्र क्या है वो भी बता दो, मतलब मेरे को भी जानना है ना कि मेरे को देखने वाले की क्या उम्र है, मेरी ऑडियंस की, मेरे को उम्र जाननी है। आप भले किसी अपने मम्मी का अकाउंट यूज़ कर सकते हो या फिर खुद का अकाउंट यूज़ कर रहे होगे, बट आपकी उम्र कितनी है मेरे को बता दो। आज के एपिसोड में यही क्वेश्चन था, और अभी रिपेल ख़त्म हो रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो गाइज आई थिंक हम लोग अभी हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तो वो आई थिंक वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कर लेंगे ट्रेनिंग, क्योंकि आज के एपिसोड में हमने आगे जाके देखा एस्पर फॉरेस्ट में, बट वो रास्ता नहीं दे रहे थे हमें, और इसके साथ हमने आज के ये एंड्रेस्ट को हरा दिया और ब्लेज बैच ले लिया। अभी हमारे पास कितने बैच हो चुके हैं देखते हैं एक ज़रा, अभी हमारे पास 6 बैच हो चुके हैं, अभी सिर्फ 2 बैच जीतने हैं और फिर टू नॉड रीच टू नॉड लीग। तो पहले हम लोग पोकेमोन हील कर लेते हैं और देखते हैं आगे क्या करना है। आई थिंक अभी मेरे को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और मेरे वो जो था ना ड्रैगन टाइप पोकेमोन उसको इवॉल्व करना पड़ेगा, बट वो यार गाइज उसके साथ ट्रेनिंग करने में बहुत बोर होती है क्योंकि वो बहुत स्लो इवॉल्व होते हैं गाइज। बट ठीक है आज के एपिसोड में बस इतना ही था, आई होप आपका आज का एपिसोड आपने पूरा देखा, तो आई होप मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और घर पे रहो यार कोरोना बढ़ रहा है।